हे गाइस, फाइनली आज पीटी का रिजल्ट आ गया है और जो जो लोग पीटी में क्वालिफाई हो गए हैं उन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो लोग नहीं भी क्वालिफाई हुए हैं वो लोग बिल्कुल भी अपना मॉरल को डाउन नहीं करें और वो लोग सोचे कि आगे उनको किस हिसाब से तैयारी करनी है, क्या क्या कमियां रह गई हैं, उन कमियों को वर्कआउट करें और वर्कआउट करके उन पर ध्यान दें। अब गाइस, सबसे बड़ी बात यह कि जो लोग पीटी क्वालिफाई किए हैं उनका आया है परसेंटाइल में रिजल्ट कि आपका इतना परसेंटाइल। गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो भी वैकेंसीज आएंगी, जैसे कि यूपी लेखपाल हो गया, वीडियो हो गई और जो बाकी वैकेंसीज है जिनको कि पीटी के आधार पर इनको माना जाता है, तो मैं बता दूं कि इसमें परसेंटाइल मेंशन रहेगा कि अगर आपके 60% से लेकर 65 या 70% के बीच में है तो आप लेखपाल का फॉर्म भर सकते हैं। अगर वीडियो में जैसे कम वैकेंसीज होती है तो लिखा हो, अगर वीडियो में कम वैकेंसी होगी तो आपका लिखा रहेगा कि जैसे आपका परसेंटाइल अगर 70 से 75 के बीच में तो आप वीडियो में फॉर्म फिल कीजिए। इसी हिसाब से सारी की सारी परसेंटाइल के हिसाब से डिसाइड होगा। तो गाइस, आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। आप लोग लिंक है नीचे, आप आराम से जाके अपना पीटी का रिजल्ट देख सकते हैं। अगर आप लोग के परसेंटाइल कम है तो घबराने की जरूरत नहीं है, वैकेंसीज बहुत सारी है तो आपका आराम से कहीं ना कहीं पे सेटअप पक्का हो जाएगा। और उन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन जो लोग पीटी क्वालिफाई कर चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आपको जो फ्यूचर होगा वो काफी ब्राइट होगा। और इसी अच्छे नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू सो मच। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, मैंने चलो वीडियो को एडिट कर रखा है, मुझे बस डालना है कि यूपीएससी का भी बहुत ही जल्द एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग बस बने रहिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने वीडियो देखा, सॉरी, आप नीचे लिंक में जाकर आराम से अपने जो रिजल्ट है उनको चेक कर सकते हैं। होप आपने अब तक चेक भी कर लिया होगा। बस मैंने सोचा परसेंटाइल में अगर किसी को कंफ्यूजिंग है तो देख लिया, बाकी कोई भी कंफ्यूजिंग अगर होता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। थैंक यू सो मच।